वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैंने गोश्त जो पतीली में रखा हुआ है, तो मैं बना रही हूँ शलजम पालक गोश्त। तो गोश्त में जो है ना, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर रख दिया था, और इसमें जो है मैं प्याज ऐड कर दूँगी, और अब जो है इसमें मसाले ऐड करती हूँ। तो चले आएँ, आपको जो है ना मैं आज शलजम पालक गोश्त की रेसिपी बताती हूँ। तो चले मसाले वगैरह भी ऐड करते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं मसाला जो है मैंने प्लेट में निकाल कर रख लिया है। ये दो टमाटर हैं, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन पिसा हुआ, तो वो भी ऐड कर दूँगी। अब ये गोश्त को जो है ना मैं गलने तक, यानी कि इतना भी नहीं गलाऊँगी कि बहुत ज़्यादा गल जाए, क्योंकि हमें शलजम पालक भी डालना है। पालक भी जो है काफ़ी जो है ना, इसमें से पानी वगैरह भी जो है इसका खुद का होता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना गोश्त हल्का सा जैसे गलना शुरू होगा, तो मैं इसमें पालक और शलजम डाल दूँगी। तो चलें, अभी इसमें मैं लहसुन अदरक भी डाल देती हूँ। लहसुन अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक जो है ना खानों में अच्छा होता है, फ़ायदा देता है ये, तो इस वजह से। ये देखिए, अब मैंने सब चीज़ें डाल के जो है ना गोश्त को चढ़ा दिया है, और अब गोश्त को जो है ना हल्का सा गलने देंगे। फिर उसके बाद जो है शलजम पालक जो है मैं इसमें डाल दूँगा। शलजम पालक को भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके रख लिया, क्योंकि उसमें मिट्टी बहुत होती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने पालक काट के रखा हुआ है, और शलजम भी काट कर रखा हुआ मैंने। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़े। देख सकते हैं पानी जो इसमें खुश्क होना शुरू हो गया, बस थोड़ा सा ये पानी रह गया इसमें। तो अब इसमें मैं जो है मैंने शलजम पालक जो काट कर रखा था वो ऐड कर दूंगी, और ये शलजम है ये इसमें डाल दूंगी मैं। और ये पालक देख सकते हैं धोकर मैंने छन्नी में रख दिया था, कि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह डस्ट बहुत होती, तो इस वजह से जो है ना मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से धोया। तो इसको जो है ना ज़्यादा कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से पानी निकले इसका, तो मिट्टी जो है ना वो खाने में फिर बुरी लगती है। शलजम मैंने इसमें डाल दिए, और अब मैं इसमें पालक डाल रही हूँ। देख सकते हैं शलजम ही मैंने इसमें डाल दिया था, और इन्हें इसमें पालक भी डाल दिया है। और इन्ना आप पालक आपको देखने में लग तो बहुत सारा रहा होगा, लेकिन अब जब ये पानी जो है ना इस पालक का खुशक होगा, क्योंकि इसका अपना भी पानी होता है, तो अब मैंने जो है ना इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया दोबारा। तो अब इसी पानी में जो है ना पालक और शलजम दोनों गल जाएंगे। तो अब ये देख रहे हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि पतीली फुल भरी हुई है पालक और शलजम बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता ये। तो अब इसको जो है ना थोड़ी देर पकने देते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पकने के बाद कितना अच्छा हो जाता है। तो चलें, जब तक ये पकता है तो हम इसको जो है ना कवर करके रख देते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ताकि जब तक जो है ना ये गल जाए, और है ना मैं इस दोनों चीज़ों को जो है ना मिक्स करूँगी। ये देखें जी, ये इस तरह से। तो ये खुद ही जो है ना नरम होती जाएगी, तो ये कम हो जाएगा। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक जो है शलजम पालक गल जाएंगे, तो फिर आपसे बात होगी। आप लोग देख सकते हैं पालक जो मैंने इसमें डाला था, वो देखें कितने हद तक जो है ना पानी जो है खुश्क हो चुका है, और अब ये ना बस थोड़ा सा जो है ना भुनाई के लिए रह गया है। और अब इसमें जो है ना शलजम भी मैंने डाले हुए थे, तो अब मैं शलजम को जो है ना घोट लूँगी इसी चम्मच से, इस तरह से करके, ताकि ये बिल्कुल जो है ना पालक और शलजम एक जान हो जाए। और मैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क करूंगी, और इसमें घी डालकर भुनाई करूंगी। तो चलें मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब तक जो है मैं शलजम पालक को अच्छी तरह इसमें घोट लेती हूं, तो आपसे जो है ना मुलाकात होगी थोड़ी देर में। लोग देख सकते हैं पानी जो है पालक का खुश्क हो चुका था, और अब मैंने इसमें घी डाला, मैं घी डालकर इसकी भुनाई करूँगी। शलजम को भी मैंने अच्छी तरह घोट दिया था बिल्कुल इसके अंदर, और एक तरफ जो है मैंने प्लेट में ये हरी मिर्चें और अदरक काट के रखा, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अदरक जो है ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी तरह से मैं इसमें डाल दूँगी, और ये हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। तो ये देखें, और बहुत मज़े का लगता है, जिस तरह मौसम है उसमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है अब इस तरह हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो चलें जी, अब मैं इसको जो अब भून लेती हूँ, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, कैसी नहीं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नसीर का भी चैनल है नसीर व्लॉगर के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें जी, इतने हम इसको भूनते हैं, तो फिर आपसे जो है ना मुलाकात होती है। जी आप लोग देख सकते हैं मैंने घी डाल दिया था, इसमें घी डालकर ही मैंने अच्छी तरह भुनाई की है इसकी बिल्कुल, और है ना इसको हल्की आँच पर पकाया है मैंने, ताकि घी इसका ऊपर आ जाए। इस घी इसमें ज़्यादा इसलिए डलता है, क्योंकि इसमें जो है ना घी इतना नज़र आता नहीं है, तो इस वजह से। ये देख सकते हैं आप लोग, और अभी इसको जो है ना 5 से 10 मिनट में इसको दम पर और लगाऊंगी, तो घी ऊपर आ जाएगा, सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, कैसी नहीं।
तो चलें अभी 5-10 मिनट इसको और लगेंगे, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब मैं डिश आउट कर लूँगी तो आपको इसकी लुक फाइनल दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं सालन जो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसकी लुक चेक कीजिए आप। और इस पर खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। और अब मैंने तंदूर की रोटी मंगवाई है, उसके साथ अब मैं खाऊंगी। और अज़ा फलक जो है क्या कहते हैं अंदर दस्तरखान वगैरह लगा रही है, और नसीर हम बच्चे वगैरह सब हम लोग खाना खाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी चलते हैं अब हम खाना खाने, तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कैसी नहीं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह दुआओं में आप याद रखिएगा मुझे, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।